जी ये देखिए, ये बैक साइड है और बैक साइड की लेंथ कम थी, फिर दुपट्टे के जो साइड से कपड़ा होता है ना वो लगा के फ्रंट की लेंथ के इक्वल की है और गुम तरीके से इसको फिनिशिंग की हुई है, साल लेस लगाई हुई है। आप देखिए बड़े नेट तरीके से हमने जो है वो तैयार किया हुआ है। ये मारिया बी का जो सूट है वो हमने तैयार किया हुआ है, ठीक है। D8 है इसका डिज़ाइन आर्टिकल, आप देखें कितने नीट तरीके से हमने इसको स्टिच कर दिया हुआ है, ठीक है। और फाइनली लुक दे दी हुई इसकी, सबसे पहले ये बैक साइड है, बाजू पे मोटिव एप्लीक करवाया है, ठीक है। और इसकी इनर अलग से है, ये लेस डाई करवाई है और नाइस, देखें बहुत नाइस तरीका है। ये इसकी फ्रंट साइड है, साथ साथ हम प्रेस कर रहे हैं, साथ साथ बिना प्रेस के देखिए इसको कितने नीट तरीके से हमने इसको जो है तैयार किया हुआ है, ठीक है। इसके चाकों पे लेस फिल की हुई है, साथ में आप देखें बहुत ही नीट तरीके से दामन पे लेस फिल की हुई है और दामन पे लेस लगाई हुई है। ये इनर है जी, बैक साइड है, फ्रंट है और घेरा भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये फ्रंट साइड है, किसकी फ्रंट साइड है, ये D8 की फ्रंट साइड है, सेम आर्टिकल इसी तरह। पल्स वगैरह वो कस्टमर खुद ही लगाएगा, हमारा जो काम था सिर्फ स्टिच करना है। और दुपट्टा भी इसी तरह तैयार किया हुआ, दुपट्टा किधर, ये दुपट्टा तो इधर पड़ा हुआ है जी, ये क्या दुपट्टा इधर आ गया, अच्छा ये दुपट्टे पे सीडलेस लगी हुई है, साथ अप्लाई किया हुआ है, बहुत ही नीट तरीके से इसको भी तैयार किया हुआ हमने, ठीक है। इसके बैक साइड पर क्या किया हुआ देखें जी, इसके बैक साइड पर हमने इस तरह जो है उसको गुम तरीके से फिनिशिंग की हुई है, साथ ओवरलॉक किया हुआ है, ठीक है, नीट तरीके से ताकि इसके धागे शागे ना निकले और प्रॉपर एक दुपट्टे की हमने जो है लुक दी है इसको, ताकि आप घर बैठे जो है वो काम को ईजीली तरीके से हासिल करें। ये हमने भेजना है UK, ठीक है। और आप देखें प्रॉपर तरीके से हमने इसको शेप तैयार कर दी, ये दुपट्टे पर अप्लाई हुआ है। पल्स वगैरह लगाने होंगे तो वो कस्टमर अपनी मर्ज़ी से खुद लगाएंगे, साथ हमने इसके पल्स लिए हुए हैं, आपको दिखाते हैं इसके पल्स। ये इसके पल्स हैं जी, देखें पूरी की पूरी लड़ी हमने ले ली हुई है। अब पूरी लड़ी लेके ये इस छोटा पल्स है जो फिनिश के लिए देना होता है साथ, और ये उसके आगे लगेगा, जैसे इन्होंने सेम एज इट इज़ वैसे हमने पल्स लेके कस्टमर को साथ भेजने हैं। अगर उनका दिल किया तो वो लगाएंगे, अगर नहीं तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। हमने अपनी तरफ से प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो उनको दे दी हुई हैं तैयार करके, ठीक है। साथ में लेसेस लेके डाई करवाई हुई है, आपने हमने पहले भी आपको दिखाया है और आप भी बता रहे हैं, ठीक है। गम तरीके से इसको देखें, नीट तरीके से लगाया हुआ है। ये जो स्टोन वाला पीस देख रहे हैं, दुपट्टे की लेंथ कम ज़्यादा थी, हमने दुपट्टे की बॉर्डर के हिसाब से दुपट्टे की चौड़ाई तैयार की है, ठीक है। और जो साइड से कपड़ा बचा था वो हमने ज़ाया नहीं किया, इसकी बैक की लेंथ कम हो रही थी वो हमने बैक की लेंथ लगाकर जोड़ लगा के सीडलेस लगाकर गुम तरीके से आप देखें नीट तरीके से करनी के साथ गुम तरीके से लगाया हुआ है, ताकि जोड़ को भी पता ना चले और फिनिशिंग भी नीट तरीके से आ जाए। ऐसी चीज़ नूर प्रतीक पे आपको स्टिच करके दिखा रहे हैं जी हम बार बार, और दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर जिसने काम सीखना हो हमारे यूट्यूब चैनल नूर प्रतीक एंड स्टिचिंग पे विज़िट करें, आपको खुद ब खुद काम की समझ आएगी, फिनिशिंग की समझ आएगी, स्टिचिंग भी समझाते हैं, कटिंग भी समझाते हैं जी, आपको प्रॉपर एक शेप एक प्लेटफॉर्म पर दिखाते रहते हैं। D8 मारिया बी का जो सूट है जी, प्योर मारिया बी का जो सूट है, इसके गला कैसा तैयार किया है गला भी आपको दिखाते हैं। आज गले की तरफ चलते हैं जी। लो जी फाइनली लुक आ गई हुई है गले की, और गला D8 मारिया बी का सूट है जी, ये अप्लाई करवाया हुआ था गला, साथ पल्स देखें सेम फैब्रिक हमने रॉ सिल्क के कपड़े के तैयार किए हुए, जिस तरह आज आर्टिकल पे लगे हुए थे सेम उसी तरह ही हमने इसको जो है वो लगाया हुआ है। इसके आर्म होल पे देखें किसी तरह की कोई सिलवटें नहीं है, ठीक है। बैक साइड पर देखें किसी तरह की इसकी कोई सिलवटें नहीं है, ठीक है। ये शोल्डर है और शोल्डर के अंदर क्या किया हुआ, स्ट्रैप बटन लगाया हुआ, साथ इसको ओवरलॉक किया हुआ नीट तरीके से, प्रॉपर एक शर्ट नीट तरीके से हमने इसको ओवरलॉक करके स्टैप बटन लगाकर शोल्डर बटन जिसे बोलते हैं इसको स्टिच किया हुआ है। ये इसकी जो फाइनल लुक है ये आप देख लें, हमने रैक कर दी इसको प्रेस करने के बाद। इसके चाकों की फिनिशिंग देखें, चाक सीधे स्ट्रेट खड़े हैं, कोई कोना है एक दूसरे के साथ इक्वल है, बड़ा छोटा कोना नहीं है। और ये भी इसके दामन पर 3 मोटिफ एप्लिक हुए हैं, जो कि हमने कटिंग करने से पहले इसको एप्ली करवाया, प्रेस किया, ताकि इसकी लेंथ जो है प्रॉपर नीट तरीके से तैयार हो जाए। बाजू के अंदर भी सीडलेस लगाई हुई है और बाजू में भी फिनिशिंग की हुई है, बाजू की फुल इनर है, साथ में ऊपर मोटिव दिया हुआ इन्होंने मारे भी। इसमें कितने मोटिव एप्लीक हुए थे, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, ठीक है, दुपट्टे के 7 और 8 मोटिव थे, बाकी जो है वो ये सीडलेस वगैरह हमने खुद ही डाई करवाई है, ये खुद ही लेसें ली हुई हैं, इसको खुद ही डाई करवाया है नीट तरीके से। पल्स वगैरह आपने देखे हुए हैं,
और इस सूट का नाम जो है वो D8 मारिया बी का जो सूट है शिफोन का, ये आई थिंक 16-17 हज़ार का जो सूट है। जो भी सूट हम तैयार करते हैं कस्टमर के हिसाब से करते हैं, जो कस्टमर ने कहना हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम तैयार करना, चाहे वो सिंपल है चाहे वो डबल फिनिशिंग वाला है, जैसा भी है। ठीक है, आप भी अगर ऑनलाइन हमसे काम करवाना चाहते हैं, हमारे दानू टेलर की इंस्टा की आईडी पर जाएं, ये सूटों की फिनिशिंग चेक करें, आपको खुद समझ आएगी कि फिनिशिंग कैसी होती है। वहाँ पर कम से कम भी 3-4 हज़ार के करीब जो है वो सूट हमारे तैयार किए हुए लगे हुए हैं, जो सारे के सारे हमारे खुद स्टिच हुए हुए हैं। आप फिनिशिंग चेक करें, मकसद है फिनिशिंग चेक करने का कि फिनिशिंग कैसे दी जाती है और काम जो है वो कैसे किया जाता है। इसकी कटिंग और इसकी स्टिचिंग हमने तफसीलन आपको पहले भी दिखाया हुआ है, और ये फाइनली जो लुक है वो आपको तैयार करने के बाद हम जो है वो दिखा रहे हैं। जो नेवी वर्ज हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर सूट की अपडेट मिल सके और इसकी स्टिचिंग और फिनिशिंग किस तरह होती है उससे आप आगाह हो जाएँ। थैंक यू व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।